सुर संग्राम। नमस्कार प्रणाम गोर लागतानी भोजपुरिया जहान हम रवि किशन शुक्ल स्वागत करतानी सुर के सबसे बड़ संग्राम में जेकर नाम बाटे सुर संग्राम द्वितीय। आलोक बाबू गाना हमरे पे पिक्चराइज वायरल पिक्चर बहुत ही बहुत चलल भी बहुत पसंद आयल भोजपुरिया समाज के का कहे चाहे गाने के बारे में और सुर संग्राम के हाईएस्ट टीआरपी भेटाइल बा आप सब सरदार लोगन के मुबारकबाद का कहबा समाज से। आज हम भैया जी भी कुछ भी बानी वही सब प्यार आशीर्वाद सब लोगन के बाटे और बड़ा अच्छा लगल भैया बड़ा मन से कहने गाना हमरा गाना गावे में लगल करीब 2.5 घंटा लगल भैया। भैया ये जो गाना है हेलो हम संतोष इस गाने की वजह से आज हम जितना भी रिकॉर्डिंग करते हैं इस गाने की वजह से मिला है ये गाना से मेरा जिंदगी बदल गया तो थैंक यू आपको और थैंक यू आप सभी को जिन्होंने मुझे इतना प्यार देकर इस मंच से और इस पूरी दुनिया जहां तक आप लोगों ने मुझे पहुंचाया है। ये गाना के बाद ये पिक्चर में हमेशा हम पत्ता पहने एक सीक्वेंस हुआ जहां हम खाली पत्ता पहने लगी और बकरी सब दौड़ाओ पत्ता खाए खातिर। एक जोरदार ताली के साथ स्वागत करी यूपी के शान सरदार मोहन राठौड़ के बिहार के आन सरदार आलोक बाबू बगले में बाड़न और झारखंड की जान सरदार ममता राउत के जय हो। आप लोग कृपया अपने अपने सिंहासन पे विराजे। और गरम जोशी के साथ स्वागत करी तीन राज्य के सुर के योद्धा लोगन के जय हो। आप लोगन का कृपया आप लोग विराजे। आज के दिन सबसे ज्यादा संघर्ष होला यानी विदाई की रात। आज कौन सी सेना के योद्धा के हो जाए विदाई जैसे यूपी के बिहार के या झारखंड के का लगता नारी शक्ति कहीं कमजोर तो ना पड़ जाए आज रात। कबो कम ना पड़ी और अगर कभी ऐसा लगल कि अगर कम पड़ा था तो सुनामी आ जाई। ओहो आलोक आखिरी योद्धा बचल बाटे आलोक खातिर कहीं कछुआ खरगोश के बाद आज विदाई के रात उल्टा ना पड़ जाए। हमारा विश्वास बाटे वो अकेले खंभा गाड़ी बिहार के और सुर संग्राम के विजेता सुमिया ही बनी अब की बार सुर संग्राम। वाह मोहन बाबू तीन योद्धा भौकाल बना के आगे टिकल वाड़न का कहबा कुछ कहब ना अभी लोग के तो पते बाप का हम बताई जनते बने हम बोली लेता लोग सीरियस हो जाला जा सीरियस चला जानल जाओ आज कई पोजीशन और विदाई के रात के बारे में न्यायमंडल का सोचता मालिनी जी। रवि जी आज विदाई के रात बाटे और आज एगो बहुत ट्रिकी सिचुएशन उत्पन्न हो गल बाटे काहे से कि दो ऐसे प्रतिभागी शालिनी और उनसे खाली एक ही नंबर आगे चलता वीरेंद्र भारती जैसे रेत मुट्ठी में से धीरे धीरे निकलती जाती है ऐसी वक्त भी धीरे धीरे जाता है कहीं कोई आज एक बहुत मजबूत प्रतिभागी बाहर न चला जाए। एक्चुअली आज टेंशन एक है और किस हिसाब से बहुत ही सॉकस रह के आज एक्चुअली एक करना पड़ेगा एक जिम्मेदारी आज खास है तो सबको ऑल द बेस्ट देखते हैं मैं एंजॉय करने के लिए बैठी हूँ। विदाई की रात के घमासान शुरू करी ओकरा से पहले न्यायमंडल से हम इजाजत चाहब जय हो धन्यवाद। सबसे पहले मंच पर उतर हलबाड़ी न्यूज योद्धा इनका के पिछला एपिसोड में भेटायल रहे सबसे कम 32 नंबर आज के परफॉर्मेंस करी इनकर सुर संग्राम के मंच पर भविष्य का फैसला। जोरदार ताली के साथ स्वागत करी रामगढ़ झारखंड की शालिनी दुबे ऑल द बेस्ट। मैं तो सारी रती
का आवाज में एगो तरकश बाटे, बहुत ही रेयर एगो वॉइस कहल जाला, बहुत कम लोगन का ऐसा आवाज, एकदम का कहीं हिमालय पे कोनो बुढ़िया उड़िया एकदम संगीत का प्रकांड बैठ के सूर्य को लगावतिया। अच्छा कंपोजिशन ही क्या कर रहे? कंपोज मेरे बड़े पापा का है। वही तो मैं पहली बार सुना हूँ और बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ममता जी का कह रही? बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छा गाया और तुमसे बहुत उम्मीद है, आगे समझदार हो, समझ जाओ क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है? थैंक यू। जब ऐसा गुलगाना गावे लो तुमके बहुत अच्छा लगेला, वो रूप में मतलब तुम्हारा जो फील आवेला माहौल पूरा एकदम कवर कर ले लो, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया गौलो। धन्यवाद मोहन बाबू, बहुत बढ़िया जी। कल्पना शालिनी को शायद पिछले एपिसोड का खुमार अभी भी तंग कर रही होगी, है ना शालिनी? इसलिए वो प्रॉपर भोजपुरी बोली नहीं होके थोड़ा सा राष्ट्रीय भाषा के करीब है, लेकिन कंपोजिशन बहुत अच्छा था। मेरे तरफ से 18 वाह वाह, कल्पना जी से 18 भेटाई, लड़की के जान में थोड़ा जान आई, चलल जाओ मालिनी जी। शालिनी एकदम नीलम परी माफिक लगता, एकदम नीलम परी, जोरदार ताली हो जाए, बहुत प्यारी लग रही हो। वो बोझा उतार दो दिमाग से। और आपने बताया है कि आपकी ताऊ जी की अंकल की कंपोजिशन, लेकिन मन्ना डे जी का बहुत मशहूर ये दादरा है। और अभी भी एक प्रॉब्लम आपके गाने में है शालिनी, कि जो सस्टेनिंग नोट है अभी भी, जिसको तार की तरह कहना चाहिए, वहाँ पर हल्का सा आप उधर गाती हैं, डर मुझे लगता है कि पूरा पूरा सुर वहाँ पर टिकेगा कि नहीं। मेरी ओर से आपके लिए 18 थे, लेकिन एक नंबर इस गाने को चुनने के लिए खमाज में 19। वाह वाह वाह, का शुरुआत भाई, हरार महादेव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लड़की के भेटाइल 18, कल्पना जी से 19 भेटाइल, मालनी जी से कुल हो गई 69। जय हो का बात बाटे, मुबारक हो भाई, का शुरुआत कह लू। हाँ बोला, आज आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं। मुझे सहल हो गई मंजिले वो, और हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह में चल गए। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। लाई? काजर निकाल के कान के पीछे लगा दे ले, हमार माई आज तरह के बहुत आशीर्वाद दी हमार, धन्यवाद। हरार महादेव, हरार महादेव, बहुत अच्छा। इतना ही लड़की खुश कर दे ले, इसके सुना हम तरह खातिर भी कुछ ले आए, इनकर माई के लिए आयल बानी हम झारखंड से। धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मम्मी को, वैसे मैं बहुत बहुत मिस कर रही थी मम्मी को, मैं कभी भी बचपन से मम्मी से अलग नहीं रही, और हमेशा हम दो बहनें हैं, हमेशा मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं। पहली बार मैं बाहर आई हूँ और अभी पापा घर पर ही हैं, बहुत मिस कर रहे होंगे हमको। तो पापा हम आएंगे, लेकिन जीत के आएंगे, इतना जल्दी नहीं आएंगे, ठीकेगा। आज इस मंच पर मैं खड़ी हूँ, मैं बता नहीं सकती कि मैं कांप रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम कांप रही हूँ, मुझे पता नहीं इतना बड़ा मंच मुझे मिला है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, सो मैं बता नहीं सकती कि कैसा मुझे लग रहा है। और सबसे पहले तो मैं मालिनी जी और कल्पना जी को बहुत बहुत उनको प्रणाम करती हूँ, और संतोष जी, नागेंद्र जी, आज इन सब बच्चों के पीछे जो मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए मैं उन लोगों को तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है। शुक्रवार जैसे ही आता है, सभी को, पूरे मेरे पड़ोसी लोग, सभी 8 बजता है और सभी लोग टीवी पे बैठ जाते हैं। अरे वाह, बहुत बहुत पॉपुलर हो चुका है ये शो,
ये आपके लड़की हमरा के देख के सीटी मारेला हमके बहुत छेड़ेला उ खातिर का कबू। अरे उतरवा के देख के त हमहु सीटी मारब। खानदान का असर है। हिरोशिमा नागासाकी से बड़का बम रहे हो ये तो पूरा। कृपया आप में अपनी जगह पर जाएं। धन्यवाद शालिनी। शालिनी दुबे बैठ गई बाड़ी लाल कुर्सी पर। एलिमिनेशन के तलवार मंडरा रहल बाटे इनकरा ऊपर। का इनकर मंच पर सूरज हुई आज उदय या हमेशा खातिर हो जाई अस्त। अभी बाकी बाटे छह गो और जोश और जुनून और संघर्ष से भरल परफॉर्मेंस। कौन सेना के योद्धा के सपना पकड़ी रफ्तार और कौन सेना के योद्धा के सपना पर लगी पावर ब्रेक। यूपी बिहार।